बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर कुरान शरीफ में पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं जिसमें आता है फाबे आइये आलाए रब्बिकुमा तुकज़िबा। नेमत को झुठलाना बहुत आसान है। सेहत इस तरह की एक ही चीज़ है जिसको आप जितना भी झुठला लें, लेकिन आपको पता तब चलता है खुदा ना खास्ता जब वो कुछ चीज़ छिन गई हो। अब बच्चों की सेहत की तरफ आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोग माशरे में पीछे रह जाते हैं और वो वल्नरेबल हो जाते हैं या उनका मजाक उड़ाया जाता है, और गंदे और घटिया और गलीज जहन के जो लोग हैं उन पर लतीफ़े और उनकी मीम्स बनाते हैं। इसी तरह का एक चैलेंज है ऑटिज़म, जिसमें बच्चा किसी शोर, किसी लाइट या किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से परेशान रहता है और उसके सीखने का और उसके ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने का अमल स्लो हो जाता है और पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज आ जाता है, और अच्छे पेरेंट्स उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उसको आगे लेके चलते हैं और वो फिर यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिल के इसके लिए एक सिलसिला शुरू किया है। मेरे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और पंजाब पुलिस के स्टार मुस्तनसर साहब मौजूद हैं। बताइए ऑटिज़म क्या है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है, ये क्या ताल्लुक है जो आपने बना लिया है? सर थैंक यू वेरी मच सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका शिकार बच्चे जो है सर वो बाकी बच्चों से डिफरेंट बिहेव करते हैं सर। उनको लर्निंग में डिफिकल्टीज आती हैं, उनको बिहेवियर में डिफिकल्टीज आती हैं, उनका ऑटिस्टिक बिहेवियर डिफरेंट चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है, जिसमें सर ट्रैफिक का शोर है, ट्रैफिक के हॉर्न है, गाड़ी को रेसिंग कर रही है उससे वो ट्रिगर हो सकता है। हमने सर आपकी इंस्ट्रक्शन पर यह कंपेन स्टार्ट की। इस कंपेन में सर हमने 3-pronged स्ट्रेटजी रखी है सर। सबसे पहले तो ये कि हम ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सर ट्रेनिंग करवाएंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे, उनको इस बात की अवेयरनेस देंगे कि हर वो फर्द जो ऑटिस्टिक है या स्पेशल नीड्स का शिकार है सर उसको डील कैसे करना है, बिकॉज दीज पीपल नीड एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव एंड स्पेशल ट्रीटमेंट सर। सेकेंड इंशाल्लाह ताला सर हम लोगों को अवेयर करने के, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि ऑटिज़म का शिकार बच्चे या ऐसी गाड़ी जिसको वो कैरी कर रहे हैं उन गाड़ियों के इर्द गिर्द हॉर्न ना बजाएं सर, उनके साथ रेसिंग ना करें, उनको बिला वजह ट्रिगर ना करें या कोई भी ऐसा बिहेवियर ना करें। तो ये जो बड़े मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के फिरते हैं और ये भी उनको ट्रिगर कर देते होंगे सर, ये भी उनको ट्रिगर करते हैं सर। इसके अलावा शोर ट्रिगर करता है सर, इसके अलावा जो रेसिंग का बिहेवियर ये ट्रिगर करता है, बिला वजह की हॉल्टिंग ट्रिगर करती है। ये आपने बताया तो इसके सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त लेडी पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं जो कि क्राइम फाइट करती हैं, टेररिज्म को रोकती हैं, बेटर गवर्नेंस दे रही हैं, सोशल सर्विसेज भी कर रही हैं, बहुत सारे नए और ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ आपके पास आ रही हैं। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो लेटेस्ट बैच ASPs का आ रहा है 17 में से 7 उसमें से लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और इसी तरह हमारी दीगर भी पुलिस ऑफिसर्स विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स का काम किरदार अदा कर रही हैं। तो उनमें से एक ऑफिसर हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे कुत्तों की पुलिस के जान बचाई, एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स बनाए, पुलिस के इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स किए, खिदमत सेंटर को डिज़ाइन किया। वैसे ये इससे पहले ऑयल में भी बड़ा ऑयल माफिया के खिलाफ फाइट करती आई हैं। ASP गुलबर्ग हैं, ASP शहर बानो। ASP साहबा, ये आपको कैसे आइडिया आया और ये पुलिस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? लोग तो हमारे हर काम पे कहते हैं, आपके तहफ़ मरकज़ में भी कहते हैं पुलिस से क्या ताल्लुक है, तो ये क्या है, इसका पुलिस से क्या ताल्लुक है, तहफ़ मरकज़ और ट्रैफिक पुलिस ये है क्या? सर बेसिकली सोसाइटी की हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर जो फर्द है सोसाइटी के अंदर जो भी रोल प्ले कर रहा है वो समहाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्राइम के ऊपर इम्पैक्ट करता है या होता है उसका। तो सर हमारे पास एक DSP साहब की विडो आई जिनका जो एक ही बच्चा है उनका, और वो ऑटिस्टिक है और उसे सवेरे किस्म का ऑटिज्म है, इस हद तक कि ना उसकी वो बोल सकता है, ना वो रैशनलाइज कर सकता है चीज़ें, ना ही उसका कोई एसेज कंट्रोल है अपनी बॉडी के ऊपर। तो जब उन्होंने अपनी क्ली सामने ला के रखी कि जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है, मैं अकेली अपने बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, तो ट्रैफिक के अंदर जब लोग जोर से हॉर्न बजाते हैं या मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन रोकता है या फिर साइलेंस की आवाज़ आती है, तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस बीमारी के बारे में या डिसऑर्डर के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है जब मेरे बच्चे को लोग पागल कहते हैं, स्ट्रगल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपने क्या डिज़ाइन किया और आपके जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उनकी आपको क्या ताबून इसमें हासिल हुआ है अभी? सर बेसिकली सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने हमें जो फुली सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव में सर, ना सिर्फ हम लोग ऑटिज्म को अब देखेंगे सर, हमने एक पैनोरामा बनाया। पैनोरामा के अंदर जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं उन सबको हम कैटर करेंगे। ये है वो पैनोरामा।
जो आपने बनाया हुआ है? सर, दिस इज वन ऑफ द मेनी स्टिकर्स दैट वी आर डिजाइनिंग सर. ये सर जो है ये ऑटिज्म के लिए है. अच्छा, तो आपके जो है हमारे साथ एसपी मॉल्टन बैठी हुई है. एसपी साहबा, ये बताइएगा कि ऐसा अगर कोई केस आता है, थाने में आता है, या इसके लिए मतलब हमारे ब्लाइंड लोग आते होंगे थाने में, हमारे और स्पेशल नीड्स के बंदे आते होंगे, उनके लिए आपके थाने में कोई आपने कोई किया है या उनको तहफ़ मरकज़ करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर, हम इसमें ये अपनी जो जितनी भी पुलिस फोर्स है, फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, उनको हम सर इसमें ट्रेन कर रहे हैं ताकि जितने भी इस स्पेक्ट्रम के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उनकी बच्चे एडल्ट्स उनकी नीड्स को ये केटर फॉर कर सकें, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उन इस सारे प्रॉब्लम के साथ वो सेंसिटाइज हो सकें. जो बुनियादी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो सेंसिटाइजेशन या उस चीज़ के एहसास की है कि ये तमाम लोग जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं वो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हैं और हमारी जितनी भी. तो आप ये कितने अरसे में कह सकती हैं कि कोई ऐसा शख्स आएगा, ऐसा चैलेंज होगा, तो उसको आप केटर फॉर कर लेंगी, या आपके स्टाफ या आपकी पुलिस फोर्स या पंजाब पुलिस पूरे अरसे में तैयार हो जाएगी इस चीज़ के लिए? सर, हम इसमें उनके ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको आप कर चुके होंगे. हमारे साथ पंजाब पुलिस के स्टार ऑफिसर जो कि हफ्ते में 3 घंटे सोते हैं या 4 घंटे सोते हैं, मैं नहीं पता, तो वह बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं इंसोमिया का मरीज़ हूँ. तो लिहाजा हमारे स्टार ऑफिसर मैजिशियन, आपके लिए मैं लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आज लिख रहा था तो उसमें लफ्ज में जो इस्तेमाल करता है वो तो मैजिशियन है. आपने 120 घंटे में एक बोसीदा 5-4 मंजिला बिल्डिंग को 5-स्टार होटल बना दिया और आपकी ज़ेर क़यादत ये खिदमत मरकज़ इतना खूबसूरत बना. तो ये बताइए कि इस बीमारी को आप अंडरस्टैंड करते हैं या आपका कोई पता है आपको ये ऑटिज़म क्या है और इसका क्या हम पुलिस वाले इनकी मदद कर सकते हैं और क्या ये पुलिस टॉपिक है भी कि नहीं? सर, ये 100% पुलिस टॉपिक है. सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पुलिस टॉपिक नहीं है. सर, ऑटिज़म जो है सर, बेसिकली ये वो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जो डिले हो जाती हैं किसी भी बच्चे की नशोनुमा में. सर, हमारा काम ये है कि हर वो बच्चा, हर जो पीछे रह गया है ज़िंदगी की दौड़ में, उसको आगे लेके चले. सर, इशू ये आता है हमारे पास सर, डेली पब्लिक डीलिंग करते हैं, डेली 500 से 700 लोग सुनते हैं. सर, पेरेंट्स सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं. कुछ पेरेंट्स को इदराक नहीं होता कि बच्चा लेट बोल रहा है या बच्चा चुप हो गया है या बच्चा जो है नॉर्मली बिहेव कर रहा है या बच्चे की डिफरेंट उसका बिल्कुल है. और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता होता है बट वो छुपाते हैं. सर, हमने पेरेंट्स को, सर दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर, पुलिस में आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मजीद बढ़ जाती है. इस चीज़ को सोचते हुए जैसे आपने हमें गाइड किया, हम सब ने एक टीम वर्क के तौर पे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हैं, चाहे वो अलीट पुलिस है, हमने सब ने मिल के एक हमने ये फैसला किया सर आपकी गाइडेंस में कि हम तमाम को ऑटिज्म के मुतालिक बताएं और जो हमारे पास आते हैं उन्हें और बाकी स्पेशल नीड्स के बारे में भी. तो ये बताइए अली नासिर भी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम की वजह से चोर डाकू इश्तिहारी पकड़ना, दहशतगर्दी रोकना और जो बाकी कोर पुलिस वर्क्स हैं वो नहीं हो रहे हमारे? सर, नॉट एट ऑल सर. हमारी जो कोर पुलिसिंग है 100% कोर, मतलब अगर मैं इसमें बात बिल्कुल, आपने कितने गैंग्स पकड़े होंगे और कितने टीओस पकड़े होंगे और आप क्या चलान की अदालतों में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? पुलिस अपना काम छोड़ के यही काम कर रही है कि अपना काम भी कर रही है? सर मैं आपको एक बात बताऊँ कि सर, पुलिस कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन. जब हम ये वाले सारे काम करते हैं तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हमें लोगों से इन्फॉर्मेशन आती है. मैं सर एक छोटी सी बात बताऊँ, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में हमने 6 गैंग बस्ट किए हैं. उन 6 में से 5 गैंग उन लोगों की इन्फॉर्मेशन पे बस्ट किए हैं जो लोग हमारे पास किसी ना किसी वजह से आए और हमने उन्हें फैसिलिटेट किया, अच्छा बिहेवियर किया. सर, अच्छा, तो इसका मतलब है हम अपना काम रूटीन में कर रहे हैं, लोगों को इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. मतलब मैच भी आप करा लेते हैं, मुहर्रम भी आप गुजार लेते हैं, क्राइम भी आप कंट्रोल कर लेते हैं. तो अब बताइए कि आपने इस सिलसिले में अपनी पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन दी है? क्या हम एक साइलोज में काम कर रहे हैं कि एक इकट्ठे होकर इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं? सर, हमने सर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है दैट वी विल हैव टू वर्क लाइक अ टीम. सर, हम बिल्कुल सर एक साइलोज में काम नहीं कर सकते, वी आर इंटरकनेक्टेड. और सर, चाहे वो हमारे पास कोई पुलिस स्टेशन में काम हो रहा है, ट्रैफिक पे काम हो रहा है, या कहीं भी हमारा पुलिस वाला काम कर रहा है सर, चाहे वो यूनिफॉर्म में या बगैर यूनिफॉर्म के, सर हम इकट्ठे होकर काम करके लोगों तक सर अपनी एक तो सर एक्सेस को बेहतर कर रहे हैं और साथ उन तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि वो हम तक पहुंचे और उन टॉपिक्स पे आए जिन टॉपिक्स पे लोग बात करते डरते हैं, ताकि सर जितना बने हुए हैं ट्रांसजेंडर एक टैबू था सर, उसके बारे में बात करना कि उसकी को मदद हो सकती है, यहाँ तक कि रनअवे ब्राइड्स एक टॉपिक ऐसा टैबू है, प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा है, चाइल्ड अब्यूज एक ऐसा है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ
एनीबॉडी, वो भी एक ऐसा है जिसपे हमने बात की और लोगों की मदद की है। सर एग्जैक्टली सर, सर कहने का ये है कि सर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं सर, वो जो है सर वो ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग वंडर्स। और हमारे पास जो ट्रांसजेंडर एक है, हमें वो एक मेन स्ट्रीम में उनको लेके आए हैं सर, और दे आर बेसिकली हेल्पिंग अदर पीपल एज वेल सर। ठीक हो गया, तो ये आपकी बात हमें बिल्कुल सही समझ आ गई। तो हमारे साथ दोबारा बात करते हैं आपके काउंटर पार्ट की, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की, कि आप ये क्या करेंगे और ये कैसे करेंगे, कि क्या करेंगे क्या इन बच्चों की मदद के लिए सड़क पे। यार इसमें सर तीन बुनियादी काम सर हम करेंगे। सबसे पहले तो सर ये है कि जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को सर हम खिदमत मराकज़ पे रजिस्टर करेंगे सर, और खिदमत मराकज़ पे सर को इस तरह के स्टिकर्स इशू किए जाएंगे जो अपनी गाड़ी में वो डिस्प्ले करेंगे सर। इसको उल्टा कर लीजिएगा आप काइंडली, ये ऐसे कर लीजिए ऐसे सर, और इसको आपने कट नहीं करना, ऐसे ही चलाना है सर, और ये बात भी आपने कट नहीं करनी, ऐसे ही चलानी है कि पुलिस वाला गलती कर सकता है। इनको सर प्रिविलेजेस हासिल होंगी कि जो नो पार्किंग जोन है उनको सर इनको पार्किंग अवेलेबल होगी। इसके अलावा सर जो बस स्टॉप्स हैं उन पर इमरजेंसी में ये पार्किंग कर सकेंगे। रश वाले स्पॉट्स पे या ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ नॉर्मली हम पार्किंग को डिस्करेज करते हैं सर, वहाँ पर इनका चलान ही किया जाएगा सर। इसके अलावा सर दूसरे फेज में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की और एग्जीक्यूटिव पुलिस की ट्रेनिंग करवाएंगे सर, सेमिनार्स के जरिए, वर्कशॉप के जरिए उनको एजुकेट करेंगे कि जब किसी गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ है सर तो उस गाड़ी को केयर के साथ अप्रोच करना है सर, और उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना ताकि वो बच्चे ट्रिगर ना हो। तीसरे सर फेज में हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हमारे अवेयरनेस कैंप लगेंगे सर, एक कैंप हमारे लिबर्टी में लग चुका है, लोगों को अवेयर सर करेंगे कि जिस गाड़ी पर स्टिकर है उस गाड़ी के तरफ में हॉर्न ना बजाएं सर, रेसिंग ना करें उसके साथ, उसको बिला वजह रोके नहीं, अपने ट्रैफिक वार्डन और शहरी वातावरण से इंशाल्लाह ताला में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि स्पेशल नीड वाले ऑटिज्म का शिकार बच्चों के साथ सर अच्छा ट्रीटमेंट हो। और ये जो डेफ एंड म्यूट है उसके लिए भी आपने कुछ सोच रखा है ऐसी कोई बात करना? सर इंशाल्लाह ताला इसके बाद सर नेक्स्ट वीक में हम डेफ एंड म्यूट के लिए स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे सर, और उनको जो ट्रैफिक को फैसिलिटेट किया जा सकता है सर उसके लिए। तो ये डिजाइन किसने किया, ये कोई इंटरनेशनल आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं? सर ये डिजाइन शेरबानो ने किया सर, जो मेरी यूटी है। अच्छा, ये बताना जरूरी था कि ये आपकी गलती है, तो ये नहीं कि इनका कारनामा आपका कारनामा है। यूटी से बनता है अंडर ट्रेनिंग, जब कोई एएसपी आता है या आती है तो उनको किसी अच्छे ऑफिसर के साथ अटैच किया जाता है जो उनको काम सिखाता है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये एएसपी साहब आप हमें बताइएगा कि ये क्या है, उसको कैमरे की तरफ करके और कैमरा इसको फोकस करेगा या स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमें बताइएगा कि ये क्या है और आपने क्या डिज़ाइन किया और ये स्टिकर कहाँ कहाँ लगेंगे? बेसिकली सर ये जो स्टिकर है ये गाड़ी वाला स्टिकर है, ये उन बच्चे जो के ऑटिस्टिक हैं उनके पेरेंट्स यहाँ से आके लेके जाएंगे, दे विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। इस स्टिकर के अंदर सर कंसिडरिंग ये प्रोटोटाइप था, हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है तीन चीज़ें सर, उन उसका नाम जिनको ये इशू किया गया है सर, सीरियल नंबर स्टिकर का कि कौन सा स्टिकर है सर, ताकि वी कैन कीप काउंट ऑफ द फैमिलीज जो भी हमारे साथ। तो इस तरह लाहौर होगा कि पूरे पंजाब में करके देंगे? इंशाल्लाह पूरे पंजाब में होगा सर, एंड के ऊपर सर व्हीकल का नंबर होगा सर। तो ये स्टिकर और ये दूसरा इतना बड़ा सर, ये बेसिकली जो स्टिकर है ये ऑटिज्म अवेयरनेस वीक का स्टिकर है सर कि आपने, और ये गाड़ी के पीछे लगाएंगे आप लोग? ये गाड़ी के पीछे आएगा कि आपको अवेयरनेस है कि ऑटिज्म, एज इन आपको बताया गया है कि ऑटिज्म है क्या, इसके अंदर इश्यूज क्या होते हैं और आपने डील कैसे करना है। और जो हमारे पास हमारे डीएसपी साहब की वाइफ आई थी उनसे जो आपने बातचीत की, हम ये चाहेंगे कि उसके बारे में बताइए उनके हिसाब से क्या इसके बाद उनकी जिंदगी को आसान हो जाएगी? इंशाल्लाह सर होपफुली सर, जो जिस तरह जितनी वो बेबसी से बात कर रही थी कंसिडरिंग कि वो जो बच्चे हैं उनके ही इज अर ओनली सन और उनका कोई सिबलिंग भी नहीं है बच्चे का और उनकी माँ ही है जो उनके लिए है, तो सर वो बेबसी उनकी आवाज़ में झलक रही थी और जितना वो आज खुश थी, शी वाज वेरी मोटिवेटेड जब उन्होंने हमारा कैंप देखा, उन्होंने स्टिकर्स देखे और बाकी फील अपनी मदर्स को भी लेके आई थी जिनके बच्चे ऑटिस्टिक। आई एम ग्लैड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो ये पुलिस का एक नया फेस है, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई स्पेशल किड है, कोई बच्चा है, फैमिली का कोई सीनियर मेंबर है, कोई मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटली डीरेंज्ड है, किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और इसके साथ साथ बहुत सारे और चैलेंज हैं, डेफ एंड म्यूट, ब्लाइंड, तो और कोई उनको लीगल हेल्प चाहिए, तो इसके लिए तहफ़ुज़ मरकज़ मौजूद है। हम ऐसे ही एक तहफ़ुज़ मरकज़ में बैठे हैं एक ऐसे जज्बे के साथ कि जो चीज़ हम बाकियों के पास है और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको अपना हक समझते हैं, जिनके पास नहीं है, पुलिस उस सिलसिले में काम करने जा रही है और बिल्कुल नहीं घबरा रही कि हमारे हेटर्स या नफरत करने वाले लोग इसमें हमारे बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि हम ये काम करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर है।